गाइस नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। ये जो रीडिंग है ये उन कपल्स के लिए है जिनकी अभी बातचीत नहीं हो रही है, यानी कि जो लोग नो कांटेक्ट पीरियड में हैं उनके लिए रीडिंग होने वाली है। और आज मैंने लेटर्स नहीं रखे हैं, आज मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शंस के तौर पे 3 क्रिस्टल्स रखे हैं, ठीक है। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्मोकी क्वार्ट्ज, दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक। सेकंड ऑप्शन है आपका ग्रीन जेड, दिस इज ऑप्शन नंबर 2, और थर्ड ऑप्शन है रोज क्वार्ट्स। इन तीनों क्रिस्टल के पीसेस में से जो भी क्रिस्टल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आपको वो क्रिस्टल सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और उसके बाद अपने लिए कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्मोकी क्वार्ट्स, ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन जेड, और ऑप्शन नंबर 3 रोज क्वार्ट्स। करंट एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप की इस समय पे क्या है? आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आपकी बातचीत बंद है, उनकी एनर्जीज इस टाइम पर क्या हैं और उनकी करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस समय पे आपके रिलेशनशिप के ऊपर असर डाल रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने स्मोकी क्वार्ट्ज का क्रिस्टल सिलेक्ट किया है। गाइज दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड यस, सबसे पहले ओरेकल कार्ड शफल करके वी विल सी, अभी जिस समय पर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है? क्या एनर्जी है इस समय पर उनकी जो मैस्कुलिन है और क्या एनर्जी है उनकी जो फेमिनिन है? ग्रुप नंबर 1, ओके फाइन। फर्स्ट कार्ड आपका आ गया है स्पिरिचुअल यूनियन का। नंबर 2 देन यू हैव सेक्रीफाइस, नंबर 12 देन यू हैव विजडम, नंबर 5 रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, 3 एंड टेम्पटेशन, नंबर 15 कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस सेजिटेरियस एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, ये राशियां जो हैं अभी यहां पे निकल के आई हैं। बैक ऑफ द डेक यू हैव नंबर 8 पावर विच इज लियो, ठीक। ये राशियां हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की। एक चीज जो यहाँ पे, एक हिंट जो यहाँ पे आया है, दैट इज कि आप में से कुछ लोग होंगे शायद यहाँ पे जिनके सिचुएशन में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, ओके। या फिर आप लोगों की जो बातचीत अभी इस समय पे बंद है, नो कॉन्टैक्ट पीरियड में है, उसकी वजह कोई तीसरा इंसान हो सकता है, राइट। ओवरऑल आप लोगों के जो कनेक्शन है उसकी एनर्जी आई है स्पिरिचुअल यूनियन की। दैट मीन्स मे बी फिजिकली आप लोगों की बातचीत नहीं है, फिजिकली आप लोग सेपरेशन में हैं, बट स्पिरिचुअली ऑन एन एनर्जेटिक लेवल आप दोनों एक दूसरे के साथ में स्ट्रांग कनेक्शन में हैं, राइट। विच इज अ कन्फर्मेशन जो इस बात को कन्फर्म करता है कि कुछ समय के बाद ये जो सेपरेशन फिजिकल फॉर्म में आया है वो बंद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, एंड आप लोगों की जो कन्वर्सेशन है वो शायद वापस से शुरू हो जाएगी। अभी बात करें उनकी जो कि मैस्कुलिन एनर्जीज में है, तो मैं देख रही हूं कि ये इंसान किसी तरीके की एडिक्शन में हो सकते हैं या फिर ये किसी नेगेटिव पाथ के ऊपर जा रहे हैं, ओके। इनका ब्रेन वॉश हो सकता है कि किसी ने इनका ब्रेन वॉश किया है, या इन्होंने अपने लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बना लिए हैं जिनसे ये बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। इनकी लाइफ में भी जो जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है उनके लिए मैं बता रही हूँ गाइस, इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, कोई ऐसा स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम है जो इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर ये कुछ गलत डिसीजंस ले रहे हैं तो इनको कुछ वार्निंग्स मिल रही हैं, लेकिन ये उन वार्निंग्स को ना देख रहे हैं ना उन वार्निंग्स को समझ पा रहे हैं, ठीक। दूसरी बात जो यहाँ पे आ रही है, मैस्कुलिन का फोकस कंप्लीटली है ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में अराइज हुई है सेपरेशन को लेके, ठीक। ये जो मैसेज यहाँ पे आया है ये उन लोगों के लिए है जिनके बीच में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है
ठीक है, तो जो मैस्कुलिन है वो उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जीज में हो, आप फेमिनिन एनर्जीज में हो, एंड यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन। हो सकता है कि आप किसी के साथ इस समय पर रिलेशनशिप में हैं, तो जो आपके पार्टनर है वो आपके और इस तीसरे इंसान के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जीज में हो और आपके पार्टनर का किसी और के साथ में अफेयर है या किसी और के साथ में वो रिलेशनशिप में है, तो ये एनर्जी आपकी है गाइज। ठीक, अभी यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि आपके लिए ये गाइडिंग मैसेज आया है। आप किसी तरीके से शायद अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी ऐसे पाथ को फॉलो कर रहे हैं जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मैस्कुलिन को अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, या मैस्कुलिन अगर अपनी लाइफ में कुछ सुधार लेकर आना चाहते हैं इस मोमेंट पे, तो उन्हें अपने आप को डिटैच करना होगा इस ऑनगोइंग सिचुएशन से। जो नेगेटिव इमोशंस उनको फील हो रहे हैं, सैडनेस है, गिल्ट है, जेलसी है, इस तरीके के इमोशंस अगर फील कर रहे हैं मैस्कुलिन, तो उन्हें इन इमोशंस से अपने आप को डिटैच करना होगा। अब उनकी बात करते हैं जो कि फेमिनिन एनर्जीज में है। फेमिनिन के लिए मैं देख रही हूं कि फेमिनिन ने शायद इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, और शायद अभी भी किसी तरीके से फेमिनिन सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, शायद अपनी इमोशनल नीड्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस शायद फेमिनिन की हैं इस रिलेशनशिप से, वो उनको नहीं मिल पाया है इन द पास्ट, पास्ट में और अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी फेमिनिन जो है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। बट आई सी दैट फेमिनिन अब अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हैं। ओके, सो फेमिनिन के लिए, बिकॉज फेमिनिन अब एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, फेमिनिन सही के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। सो फेमिनिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी गाइज, ग्रुप नंबर वन जिनके बारे में इस समय पर आप सोच रहे हैं, उनके करंट इमोशंस क्या हैं? ओके, नंबर थ्री, एक्सपीरियंसिंग, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ग्रुप नंबर वन, उनकी एनर्जीज उनकी लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ज्यादा फिक्सेटेड हैं? देन वी हैव थंडरबोल्ट नंबर 16, इनर वॉइस विजडम के साथ में नंबर टू, कुछ साइंस इनको मिल रहे हैं, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है। ओके, बट इनके जो चक्रास हैं, इनके जो सातों चक्र हैं, उनमें एक इम्बैलेंस आ रहा है। शिजोफर्निया अगेन नंबर टू, इनर वॉइस नंबर टू, शिजोफर्निया नंबर टू, ब्लॉकेज इन थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्लैरिटी शायद फ्यूचर को लेके नहीं है। एंड देन टेम्पटेशन के कार्ड के साथ में यहाँ पे गिल्ट का कार्ड निकल के आया है। ओके, बैक ऑफ द डेक यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट अगेन नंबर टू। ग्रुप नंबर वन आपके लिए जो एंजल मैसेज यहाँ पे है, एंजल नंबर जो निकल के आया आपकी रीडिंग के लिए, दैट इज नंबर 222। ओके, अबाउट रिलेशनशिप्स, एंड नंबर टू बेसिकली इज अबाउट योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे जो नंबर टू आ रहा है इनकी एनर्जी इसको लेके, आई सी के थंडर बोल्ट के कार्ड के साथ में, एंड शिजोफर्निया के कार्ड के साथ में, इन के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, राइट? ना ही सिर्फ इनके थर्ड आई चक्रा में, बट इनके जो सेवन चक्रास हैं सभी में ब्लॉकेज चल रही है। तो इनकी लाइफ में हर चीज को लेके मैं देख रही हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वेदर इट इज हेल्थ, ये हेल्थ से जुड़ा हो, या पैसे से जुड़ा हो, या इनके रिलेशनशिप से जुड़ा हो। इनकी लाइफ का हर एस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं सफर कर रहा है इस टाइम पे, और कुछ ऐसी गिल्ट है। टेम्पटेशन के कार्ड के साथ में गिल्ट का कार्ड आया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर वन के इन्होंने
आपके बारे में बिना सोचे या फ्यूचर के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है जल्दबाजी में, जिसको लेके अब ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं या ये गिल्टी फील कर रहे हैं किसी चीज के लिए। अगेन शिजोफ्रेनिया का कार्ड यहाँ पे हमको ये भी बता रहा है दोबारा से, एक तो ये रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन थ्री ऑफ कप्स का कार्ड होता है बेसिकली, विच इज अ साइन दैट देयर कुड बी अ थर्ड पर्सन, एक तीसरे इंसान की प्रेजेंस जो है वो हो सकती है। शिजोफ्रेनिया का कार्ड फिर से ये बता रहा है कि स्ट्रांग इंटरफेरेंस किसी और इंसान की या कोई ऐसी सिचुएशन, ठीक है, दो चीजों को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी के साथ में अफेयर ही हो, कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। कई बार लोग अपने रिलेशनशिप और वर्क लाइफ को नहीं मैनेज कर पा रहे होते हैं, कई बार लोग अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस और अपने लवर के साथ में रिलेशनशिप को नहीं मैनेज कर पा रहे होते हैं, ठीक। तो इस तरीके की भी कोई सिचुएशन जो है वो हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इनके माइंड में अभी आ रहा है। एंड ये इंसान बहुत डेस्परेटली पीस ऑफ माइंड चाहते हैं इस टाइम पे, भले ये मैस्कुलिन एनर्जी में है या ये फेमिनिन एनर्जी में है। ओके, यस, लेट्स सी गाइस, रोमांस एंजल्स की तरफ से ग्रुप नंबर वन आपके लिए क्या मैसेजेस हैं या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं और जो आपके और इनके रिलेशनशिप पे असर डाल रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड आ गया है, दिस इज वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं या एक इंसान मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है। देन यू हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। सो ये गिल्टी फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। देन यू हैव एंगेजमेंट, वेडिंग एंड एंगेजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। एंड बैक ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है, वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ओके, सो पहली चीज तो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि आप में से कुछ लोग हैं जो शायद मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं, एक दूसरे से मैरिड हैं, अभी आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कि एक पर्सन मैरिड है और एक पर्सन अनमैरिड है। अगेन यहाँ पे एक साइन और है एज गैप को लेके, यस देयर कुड बी एज गैप। दूसरा यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज निकल के आया है, इम्पॉर्टेंट मैसेज इज दैट कि जब भी आप लोगों को मौका मिलता है, जब भी आप लोगों की नेक्स्ट कन्वर्सेशन होती है, आपको बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहना है एक दूसरे के साथ में और अपनी जेन्युइन फीलिंग्स आप दोनों को एक दूसरे को कन्वे करनी है। उस कन्वर्सेशन में किसी तरीके का कोई ईगो या पास्ट को लेके किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, ठीक। कन्वर्सेशन जब भी हो वो कन्वर्सेशन ऐसी हो कि उससे आपके इश्यूज रिजॉल्व हो, ना कि आप गुस्से में आके अपना जो रिलेशनशिप है उसको और खराब कर लें, ठीक। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, दैट मीन्स आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कुछ ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पार्टनर से भी कनेक्टेड हैं और आपसे भी कनेक्टेड हैं। तो हो सकता है कि ये लोग एक लिंक बन के, एक कड़ी बन के आप लोगों की मदद कर सकें, ठीक। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं आपकी सिचुएशन में तो आप उनकी मदद ले सकते हैं अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर तक कन्वे करने के लिए। एंड यस, नॉट टू फॉरगेट, आपकी रीडिंग में ही जो सबसे पहला कार्ड निकल के आया था ग्रुप नंबर वन, दैट इज स्पिरिचुअल यूनियन। ओके, एंड अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, आपका रिलेशनशिप जो है, योर जर्नी इज कंटिन्यूअसली मूविंग अहेड एंड एक नेक्स्ट लेवल पर आप एंटर करने वाले हो। लेट्स सी टैरो कार्ड से देखते हैं गाइस क्या मैसेज है जिनके बारे में आप इस समय पर सोच रहे हैं। ग्रुप नंबर वन, उनकी करंट फीलिंग्स और उनके करंट थॉट्स आपके बारे में क्या हैं। फर्स्ट कार्ड आपका आया है एट ऑफ सॉर्ड्स का, देन यू हैव हर्मिट, अगेन गिल्ट, किसी तरीके की गिल्ट है, फाइव ऑफ कप्स, सैडनेस,
इमोशनल डिस्टर्बेंस, ब्लॉकेज इन सोलर प्लेक्सस चक्र, और ये ओके. देन यू हैव 10 of Swords. सो राशियां जो यहाँ पे हैं स्ट्रांग, जेमिनाय, लीब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ओके, ये राशियां हैं. एंड आपका बैक ऑफ द डेक आया है मैजिशियन कार्ड विच इज एरीज. ओके, ग्रुप नंबर वन, ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज्यादा डार्क प्लेस में है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कहीं से भी हैप्पी नहीं नजर आ रहे हैं. बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की, बट ये चीटेड फील कर रहे हैं, या फिर इनके मन में जो ये गिल्ट आ रहा है, हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ में किसी तरीके की चीटिंग करी है किसी टेम्पटेशन में आके, और वो गिल्ट बहुत ज़्यादा इनके मन में अभी बढ़ रहा है. हर्मिट कार्ड इज ऑल्सो अबाउट रियलाइजेशंस. सो अपनी गलती का एहसास इनको हो रहा है. दोबारा से 5 of Cups, इनके पास हो सकता है और भी ऑप्शन अवेलेबल हों, और प्रपोजल्स और ऑफर्स इनके पास अवेलेबल हों, लेकिन ये अभी किसी और कनेक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं. ठीक, 8 of Swords, फ्यूचर क्या होगा, आगे मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, इस चीज की बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है. आप लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, या आगे चल के इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, अभी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव स्पेस में दिख रहे हैं. माइंड इनका अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब जा रहा है. आई डोंट नो आप में से किनके साथ में ये रीडिंग कंप्लीटली रेजोनेट कर रही है, बट ये जो भी इंसान है ये अभी बहुत ज्यादा गिल्ट में है. इनसे जो मिस्टेक हुई है उसको लेके ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं. एंड फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी नहीं है, बट हाँ, नॉट टू इग्नोर दिस पार्ट, लेकिन कुछ लोगों के लिए देयर कुड बी अ प्रेजेंस ऑफ सम ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो स्ट्रांग नेगेटिविटी है. 80% या 90% लोग जो हैं उनके पार्टनर्स ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने ही कर्मा की वजह से. जो कर्मा उन्होंने खुद किया है उसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं. कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनके पार्टनर्स किसी और की वजह से या किसी और के नेगेटिव कर्मा की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पे. ऑल राइट, ग्रुप नंबर वन गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टैरो बाय टीजे. एंड बिफोर यू गाइज लीव, गाइज 1st to 5th November आई एम टीचिंग टैरो. ओके, सो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, फ्री क्लासेस नहीं है गाइज, पेड क्लासेस हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्स के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे जो अभी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा. ओके, थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू नेक्स्ट टाइम. लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड ग्रुप, ग्रुप नंबर टू. अगर आपने ये ग्रीन जेड का क्रिस्टल सिलेक्ट किया है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. एंड यस, वी विल बिगिन विद द ओरेकल कार्ड्स. सबसे पहले ग्रुप नंबर टू, अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी है उनकी जो मैस्कुलिन है और क्या एनर्जी है उनकी जो फेमिनिन है. ओके, फर्स्ट कार्ड इज इमोशनल विड्रॉल, देन यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स, वेरी नाइस. ओके, देन वी हैव सेक्रल चक्रा नंबर टू, एंड विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर सिक्स. बैक ऑफ द डेक यू हैव सफरिंग इन साइलेंस नंबर नाइन. ओके, सो स्ट्रांग एनर्जी फेमिनिन की यहां पे आ रही है. ग्रुप नंबर टू, आई फील कि आप में से काफी सारे लोग हैं जो कि इस समय पर शायद फेमिनिन एनर्जीज में हैं, एंड ओवरऑल भी आपका रिलेशनशिप जो है वो इस टाइम पर एक बहुत ही डेलिकेट ट्रांजिशन से गुजर रहा है.
ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग्स, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नई शुरुआत होने वाली है आप लोगों के रिलेशनशिप में, नए डोरवेज खुलने वाले हैं, नए रास्ते खुलने वाले हैं, स्पेशली उनके लिए जो इस समय पर फेमिनिन एनर्जीज में हैं। फेमिनिन ने शायद अभी तक बहुत कुछ सफरिंग देखी है इस रिलेशनशिप में, जो जर्नी रही है फेमिनिन की तरफ से वो बहुत डिफिकल्ट रही है। ओके, ऑल दो फेमिनिन ने बिल्कुल भी होप नहीं छोड़ी है, एंड फेमिनिन अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। फेमिनिन के सामने भी वी कैन सी कि यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कुछ चॉइसेस अवेलेबल हैं, एंड फेमिनिन एक नेगेटिव स्पेस में होने की वजह से उन चॉइसेस को, उन ऑप्शंस को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, या उन चॉइसेस के टुवर्ड्स कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, आई विल कीप दिस कार्ड हियर। देन कमिंग टू द मैस्कुलिन एनर्जी, यहाँ पे एक और कार्ड मैस्कुलिन का आ गया है। वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम एंड इमोशनल विदड्रॉल, नंबर 4 एंड नंबर 8। सो मैस्कुलिन एनर्जी में जो इंसान है वो अभी बिल्कुल भी अपने इमोशंस के टच में नहीं है, एंड प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी उनकी सिचुएशन है उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। ऑल दो जो मैस्कुलिन एनर्जी में है वो शायद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हारमनी का कार्ड भी आपका आया है यहाँ पे, विच इज शोइंग द यूनियन। एक के बाद एक काफी सारे मैसेजेस यहाँ पे निकलते जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, यूनियन होगा आप लोगों का, बिकॉज न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच में आने वाली है। एंड फाइनली लास्ट कार्ड जो यहाँ पे आया है, दैट इज द वेटिंग गेम। आई बिलीव आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो या तो 2 साल से, 2 साल के करीब से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के बीच में कम्युनिकेशन को लेके प्रॉब्लम चल रही है, या फिर ये आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम पिछले 2 महीने से, या जो फरवरी का मंथ अभी गया है इसी साल का 2021 का, अगर आप ये रीडिंग 2021 में ही देख रहे हो तो ठीक है। तो ये जो फरवरी का मंथ है रिसेंटली जो आप अभी बीता है, तब से मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशनशिप में आई हैं। ठीक, मैक्सिमम लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे स्ट्रांगली स्ट्रांग पॉसिबिलिटी 2 ईयर्स का डिफिकल्ट टाइम दिखा रहा है पास्ट का। आप या आपके पार्टनर या आप दोनों ही वेट कर रहे हैं फॉर दिस हार्मनी, ओके, फॉर दिस यूनियन। एंड सेक्रल चक्रा नंबर 2 विद विक्ट्री एंड सक्सेस, कुछ नया क्रिएट होने वाला है। ओके, न्यू बिगिनिंग्स विद सेक्रल चक्रा, समथिंग न्यू इज गोइंग टू कम अप, कुछ नया आप लोगों के रिलेशनशिप में आने वाला है। सो आई बिलीव अभी तक का जो ये वेटिंग टाइम आप लोगों का चल रहा था, या जो भी सफरिंग्स जो यहाँ पे चल रही थी, भले ही वो मैस्कुलिन के लिए हो या वो फेमिनिन के लिए हो, वो सफरिंग जो है वो खत्म होने वाली है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी, जिनको माइंड में रख के आप इस समय पर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। द ड्रीम अगेन नंबर 6, हार्मनी नंबर 6, यूनियन में आना चाहते हैं वो इंसान भी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ग्रुप नंबर 2। ठीक, मैच्योरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैच्योरिटी, शायद पहले इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली या बहुत बहुत मैच्योर वे में हैंडल नहीं किया है। सो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक चेंज इनके अंदर आ रहा है। फ्लावरिंग सेक्रल चक्रा के साथ में, आई विल कीप दिस कार्ड, कुछ नया शुरू होने वाला है डेफिनेटली। फ्लावरिंग विद सेक्रल चक्रा, जैसे एक नया फूल खिलता है राइट, उसी तरीके से नई एनर्जीज ब्लॉसम होने वाली हैं। न्यू बिगिनिंग्स एंड हीलिंग, पुराने इश्यूज जो हैं वो हील होने वाले हैं। एंड लेट्स टेक वन मोर कार्ड, क्या है इनकी करंट एनर्जीज, इनके करंट एनर्जीज किस चीज के ऊपर फोकस्ड हैं। कॉम्प्रोमाइज, दोबारा से नंबर 6 गाइज, ग्रुप नंबर 2, आपके लिए जो एंजल नंबर निकल के आया है दैट इज 6666, 4 times 6। सो आप देख सकते हो गूगल पे जाके क्या मीनिंग है इस नंबर का, इस एंजल नंबर का, एंड देन यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट्स सो दैट बाकी के व्यूअर्स भी उसका मीनिंग देख सकें। ओके, किसी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं,
कुछ कॉम्प्रोमाइजेस इनको करने पड़ रहे हैं. आई टोल्ड यू, ये इंसान अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत स्टेबल हैं, अपने काम को लेके स्टेबल हैं, लेकिन इनकी जो पर्सनल लाइफ है शायद उसमें ये सफर कर रहे हैं. यस, अगर ये मैस्कुलिन है तो ये अपनी पर्सनल लाइफ में सफर कर रहे हैं. इनके फाइनेंसेस ठीक है, इनका काम ठीक है, यानी कि इनकी लाइफ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ठीक जा रहा है. इनफैक्ट ये ओवर ओवर प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, दैट इज़ वाई इनकी मैस्कुलिन एनर्जीज जो है वो बढ़ी हुई हैं. ठीक, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को माइंड से सोच के कर रहे हैं. सो वहाँ मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है. अगर इनकी मैस्कुलिन एनर्जी इस समय पर बढ़ी हुई है, देन ऑफ कोर्स ये अपने इमोशंस को लेके कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं. अगर ये इंसान इस समय पर फेमिनिन एनर्जीज में है तो ये बहुत डेस्परेटली आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं और एक परफेक्ट रिलेशनशिप, एक हैप्पी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. बैक ऑफ द डेक वी हैव द फूल कार्ड अगेन. मैस्कुलिन जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल अपने इमोशनल नीड्स के ऊपर. ये एनर्जी ग्रुप नंबर वन के साथ में भी थोड़ा बहुत मैच कर रही है, बिकॉज ग्रुप नंबर वन में भी कुछ हद तक ऐसा मैसेज था कि जो मैस्कुलिन है वो अपने इमोशनल नीड्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल. ओके, ऑल राइट, लेट्स सी गाइस, रोमांस एंजल्स से भी एक बार देख लेते हैं. ग्रुप नंबर टू आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स सी. ग्रुप नंबर टू, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस समय पर आपके रिलेशनशिप के ऊपर असर डाल रहे हैं? क्या मैसेज है ग्रुप नंबर टू के लिए, क्या गाइडिंग मैसेज है फ्रॉम द एंजल्स ऑफ लव? केमिस्ट्री, देर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर. देन यू हैव वर्थ वेटिंग फॉर, एंड वेटिंग गेम का कार्ड आपका आया था. डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ. बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आने वाला है. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज. कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं. लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. एंड वी हैव वन मोर मैसेज हियर. इट इज सेफ फॉर यू टू लव. ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल. ओके, यहाँ बैक ऑफ द डेक हमारे पास आया है रिकंसिलिएशन का कार्ड. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ. ग्रुप नंबर टू आई थिंक आप लोगों के लिए, अगर अभी तक की रीडिंग इनफैक्ट आप लोगों के साथ में रेजोनेट कर रही है कम्प्लीटली, देन देर इज अ गुड न्यूज फॉर यू. आपके ये जो पार्टनर हैं वापस से आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और इस समय पर आप जो कुछ सोच रहे हैं या जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत क्विकली, यू नो, योर एंजल्स आर लिसनिंग टू योर प्रेयर. आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, ये जिस भी सुप्रीम पावर में आप पर्सनली विश्वास करते हैं, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं. ठीक, केमिस्ट्री एंड वी हैव, ओके, सो देर इज समवन. आप से कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जानने वाले हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो आपसे भी जुड़े हुए हैं और आपके पार्टनर से भी जुड़े हुए हैं. ऐसे लोगों की हेल्प लेके आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हो. ठीक, एक गाइडिंग मैसेज जो यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है ग्रुप नंबर टू, वो ये है कि आप शायद बहुत ज़्यादा अपनी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं. शायद आप दिन रात इसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, इसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, एंड अपने थॉट्स के जरिए आप इस सिचुएशन को समहाउ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप ओवर कर देते हैं, यू नो, मैनिफेस्टेशन करना, प्रेयर करना एक अलग बात है, बट अगर आप 24 घंटे उसी चीज के बारे में सोचते रहते हो तो वो एनर्जी बजाय कि पॉजिटिव होने के वो टेंशन बन जाती है और वो नेगेटिव एनर्जी बन जाती है. सो अगर आप कुछ पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं, आप प्रेयर जरूर कीजिए, आप मैनिफेस्टेशन जरूर ट्राई कीजिए, लेकिन उसके बाद अपनी उस प्रेयर, अपनी उस मैनिफेस्टेशन को लेट गो कर दीजिए. ठीक, पूरा टाइम आपको इसी एक सिचुएशन के बारे में नहीं सोचते रहना है, अदरवाइज नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी.
लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर टू, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इस टाइम पर, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सिक्स, दोबारा से गाइस, नंबर सिक्स आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। शायद ये जून का महीना है जो आप में से किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, लॉट्स ऑफ पैशन, फायरी एनर्जी, एंड वी हैव लवर्स, ओके, हार्मनी एंड लवर्स, काफी सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है यहाँ पे। एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव थ्री ऑफ वॉन्स, यहाँ पर भी फिर से फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, कैंसर नहीं है यहाँ पे, सॉरी, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, ये राशियां हैं यहाँ पे। ओके, ग्रुप नंबर टू, जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, ये इंसान आपके और इनके फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा क्विकली कोई एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और कुछ बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रॉबेबली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के, इस चेंज के पूरे हो जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये चेंज आने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें भी हैं यहाँ पे इनकी लाइफ से जुड़ी, जिनके बारे में शायद इस समय पर आप नहीं जानते हैं। ग्रुप नंबर टू, ये कुछ बहुत बड़े सीक्रेट्स नहीं हैं, लेकिन हाँ, कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ हिडन फैक्ट्स हैं, ट्रूथ्स हैं, जिनके बारे में आप अभी नहीं जानते हैं, ऑफकोर्स, बिकॉज आप लोगों की कन्वर्सेशन नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ में। वॉट आई फील हियर इज दैट ग्रुप नंबर टू, ये इंसान अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और ग्रोथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में ये बहुत ज़्यादा खुद से तैयार नहीं हैं कुछ एक्शन लेने के लिए। इनका जो माइंड है, इनके जो थॉट्स हैं, वो कंटिन्यूसली फ्यूचर की तरफ हैं कि इस रिलेशनशिप का, या आपके और इनके जो रिलेशनशिप है, इसका फ्यूचर आगे जाके क्या होगा, कब ये चेंजेस, कब ये इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबल एनर्जी जो है, ये पीरियड कब खत्म होगा। ओके, इस तरीके की एनर्जी इनकी निकल के आ रही है। एंड यस, देयर इज लव। नंबर सिक्स, वीनस, प्लैनेट ऑफ लव, लविंग एनर्जीज, बहुत स्ट्रांग लविंग एनर्जीज यहाँ पे हैं। आई फील ग्रुप नंबर टू, आप में से काफी सारे लोग जो हैं सच में सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। ओके, एंड आपने जो क्रिस्टल भी जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए हो, ग्रीन जेड, दिस इज फॉर योर हार्ट चक्रा। तो अगर आप इस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हुए हो सकता है देयर कुड बी सम ब्लॉकेज इन योर हार्ट चक्रा, आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज हो सकती है किसी तरीके की, जिसकी वजह से आप ग्रीन जेड की तरफ आप अट्रैक्टेड हुए हैं। ओके, सो यू कैन वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए और ये रिलेशनशिप जो है आपको बहुत जल्दी सुधरता हुआ नजर आएगा। इस रिलेशनशिप में होप है, राइट? ग्रुप नंबर टू गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एक बात और गाइस, अगर ये रीडिंग आप 27th अक्टूबर से पहले देख रहे हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग की क्लासेस दे रही हूँ फ्रॉम 1st to 5th November। लास्ट डेट रजिस्टर करने की 27th अक्टूबर है। क्लासेस पेड हैं, फ्री क्लासेस नहीं हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर थ्री नाउ। ग्रुप नंबर थ्री, अगर आपने ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड यस, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल मैसेजेस। ग्रुप नंबर थ्री, आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी इस समय पर क्या है, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की
और क्या एनर्जी है फेमिनिन की. ओके, फर्स्ट कार्ड इज इमोशनल विथड्रॉल. देन वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस. सेक्रल चक्रा. स्टैंड योर ग्राउंड नंबर 7. एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेज नंबर 9. ग्रुप नंबर 3 आपके लिए जो नंबर्स निकल के आए हैं, नंबर 8, 6, 2, 7, 9. बैक ऑफ द डेक यू हैव प्रॉस्पेरिटी बिगिंस नंबर 1. ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1, जिस रिलेशनशिप में आप हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, दैट इज वेरी स्ट्रांग. एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है. कुछ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और प्रेशियस प्रॉमिसेस हैं जो एक दूसरे से किए गए हैं, जिनके बारे में या तो आप सोच रहे हैं, रिसेंटली आपने सोचा है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, उन्होंने सोचा है. कुछ ऐसे प्रॉमिसेस जो आप लोगों ने रिलेशनशिप की शुरुआत में किए थे. ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी, जो मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं, जो इंसान बहुत ज्यादा लॉजिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं इस टाइम पर. अपने इमोशंस से थोड़े से कटे हुए हैं. ठीक, पूरा फोकस जो है वो शायद अपने आप को किसी तरीके से सही प्रूव करने के ऊपर है. स्टैंड योर ग्राउंड, विक्ट्री एंड सक्सेस. अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, ये मैसेज यहां पे मैस्कुलिन एनर्जी के लिए. आई बिलीव मैक्सिमम लोग जो मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, भले ही वो उन्होंने कोई सा भी क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, एक मैसेज कॉमन है मैस्कुलिन के लिए कि वो इस टाइम पर ओवर प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, जो कि एक ट्रेट भी है. मैस्कुलिन एनर्जीज जब बढ़ जाती हैं, तब इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो जाता है और अपने इमोशंस को इग्नोर करने लगता है. वही चीज़ जो है वो यहाँ पे हो रही है. ये इंसान कंप्लीटली अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज में है, और किसी एक सिचुएशन को लेके ये अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं कि मैंने सही डिसीजन लिया है या मैंने सही कहा है. कोई भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसे लेके ये इंसान अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं. उनकी बात करें जो फेमिनिन एनर्जीज में है, सेक्रल चक्रा, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. फेमिनिन ने जो कुछ भी एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में पुट किए हैं, उसका फ्रूट अब उनको मिलने वाला है. राइट, यानी कि जो भी एनर्जी, जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपने इस रिलेशनशिप में पुट करी है, उसके बदले में आपकी जो विश है इस रिलेशनशिप को लेके, अगर आप फेमिनिन एनर्जीज में हैं, तो आपकी वो विश फुलफिल होने वाली है. एंड खुद ही आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो अपने इस रिलेशनशिप को लेके, जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देगा. नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दोबारा से फेमिनिन एनर्जी का ही है. दिस इज नंबर 2 एंड इंट्यूजन. फेमिनिन को इस समय पर जो उनकी इंट्यूटिव पावर्स हैं, जो उनकी इंट्यूजन है, जो उनकी सिक्स्थ सेंस है, वो उन्हें गाइड कर रही है सही रास्ते पर जाने के लिए या सही चुनाव करने के लिए. ओके, फाइन, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज इस समय पर अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट पे ज्यादा फिक्सेटेड हैं. लेट्स सी. ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन का. दिस इज नंबर 14. हीलिंग, मैच्योरिटी, कॉम्प्रोमाइज नंबर 6, अलोननेस नंबर 9, एंड आई विल टेक वन मोर कार्ड हियर, साइलेंस. सो इंट्यूजन के कार्ड के साथ में साइलेंस का कार्ड यहाँ पे आया है. फाइन,
सो अगर ये पर्सन फेमिनिन एनर्जीज में है, बहुत ज्यादा इमोशनल है अगर ये इस समय पर, तो ये सच में अपने इस अकेलेपन का फायदा उठा के आपके रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं या हील करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो दोबारा से कॉम्प्रोमाइज का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये अपने इमोशनल नीड्स को या अपने इवन इस रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ अपने आप को सही प्रूव करने के लिए किसी चीज को लेके। ये दिस इज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज। आई डोंट नो आप में से किसकी सिचुएशन के लिए ये कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, बट ये इंसान किसी भी कीमत पे अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है। ठीक, बहुत ज्यादा लोनलीनेस ये फेस कर रहे हैं, बट स्टिल जो डिसीजंस इन्होंने ले लिए हैं उस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर फेमिनिन एनर्जीज में हैं तो उनको सही रास्ता मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, यानी कि आगे जाके वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हैं आपके इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स जो इस रिलेशनशिप को हील करेंगे। मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि हो सकता है कि पहले जब आप लोग कांटेक्ट में हुआ करते थे उस समय पर इन्होंने बहुत ज्यादा सीरियसली या बहुत ज्यादा मच्योरली इस रिलेशनशिप को टैकल नहीं किया है, या अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी रह गई है, तो इस समय जब आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आई बिलीव ये इंसान आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को और आपके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फाइन, लेट्स सी रोमांस एंजल्स की तरफ से ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेज है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इस कनेक्शन के ऊपर असर डाल रहे हैं, क्या गाइडिंग मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडिंग मैसेज है। वी हैव रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओके, सो कोई अपने किसी पुराने पार्टनर को लेके यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, एंड अगर आप अपने इस करंट रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो आपको पुराने जो भी रिलेशनशिप हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसको लेट गो करना होगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। ठीक, सेल्फ लव, अगर आप लाइफ में लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ना सिर्फ रोमांटिक लव बट हर तरीके से यू वॉन्ट लविंग पीपल अराउंड यू, तो सबसे पहले शुरुआत आपको अपने आप से ही करनी होगी। आपको अपने आप को लविंग बनाना होगा, खुद खुद का ध्यान रखना होगा, खुद की केयर करनी होगी। वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। एंड प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। एंड लेट्स टेक वन मोर कार्ड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये मैसेज भी जो है ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया है, ये मैसेज ग्रुप नंबर 2 के लिए भी आया है, और अब यहाँ पे भी ये मैसेज है। ओके, सो या तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि तीनों ही रीडिंग्स देख रहे हैं, तो अगर आप तीनों रीडिंग्स देख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप दोबारा से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और प्लीज कोई एक ही रीडिंग देखिएगा। ठीक, और एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि आपके और इस इंसान के बीच में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आप दोनों को ही जानते हैं, आप दोनों के साथ में ही कनेक्शन है, और आपके इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने में, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करवा सकते हैं। ठीक, अभी वेरी सून का कार्ड जो यहाँ पे आया है वो आपको बता रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं, और आप जो कुछ सोच रहे हैं, जो भी फीलिंग्स आपके मन में आ रही हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को क्लियर रखें और पॉजिटिव रखें। आई बिलीव ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि इस समय पर फेमिनिन एनर्जीज में है, यानी कि अगर आप फेमिनिन एनर्जीज में हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं,
आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपका थर्ड आई चक्र आपको साइंस एंड सिंबल्स दे रहा है, एंड ऑल्सो आई सी कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आपकी एनर्जीज पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आपको स्ट्रांग गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे। अपने थॉट्स को आपको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि अगर इस टाइम पर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होने लगेगा। सो बी केयरफुल, दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपका एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा आपकी इस लाइफ में। एंड जो सीरियसनेस आप लोगों के बीच में बढ़ गई है, जो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसको कम करने के लिए आप कुछ प्लेफुल एनर्जीज का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, ग्रुप नंबर थ्री, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके इन पार्टनर की या इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं इस समय पर आपके लिए क्या है। ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके और इनके कनेक्शन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, मैजिशियन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, वी हैव द लवर्स, जेमिनाई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स, कुछ ऐसी शुरुआत जो अब इस रिलेशनशिप में काफी हद तक स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेकर आने वाली है। बैक ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी जो है अभी इनके माइंड की, वो आ रही है एट ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। दैट मीन्स ये इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं आगे को लेके, आगे आप लोगों की जर्नी को लेके बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, स्पेशली अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए बहुत ज्यादा श्योर नहीं है। देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन देयर माइंड, एंड इस कन्फ्यूजन की वजह से ये कुछ डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है विद द मैजिशियन कार्ड दैट हो सकता है कि ये इंसान अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है और आपके ऊपर डाउट कर सकते हैं किसी चीज को लेके, ठीक, किसी तीसरे इंसान के इन्वॉल्वमेंट को लेके ये आपके ऊपर डाउट कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, किसी तीसरे इंसान के इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हो और इसके बारे में आप भी जानते हो और आपके पार्टनर भी जानते हो। स्टिल मैजिशियन का कार्ड यहां पर ये बता रहा है विद द लवर्स कि अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, अपनी जो ट्रू इंटेंशंस हैं, उनको ये अभी पूरी तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं। एंड घूम फिर के ये इंसान जो है बार बार इनके माइंड में आप ही का थॉट आता रहता है। काफी ज्यादा ये आपके और इनके कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। अगर ये फेमिनिन एनर्जीज में है, ये इंसान आपसे कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, जो कुछ इनकी लाइफ में अभी चल रहा है और जो कुछ पॉजिटिविटी ये अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं या कर रहे हैं, उस पॉजिटिविटी को, उस पॉजिटिव इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को ये आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। बैक ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ कप्स, ही और शी जो भी हैं आपको दोबारा से ये ऑफर देना चाहते हैं, रिलेशनशिप का ऑफर, ओके, न्यू बिगिनिंग्स, रिलेशनशिप का ऑफर, दोबारा से आपको ये ऑफर देना चाहते हैं। राइट, ग्रुप नंबर थ्री, गाइस दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप ये रीडिंग जो है 27 अक्टूबर से पहले देख रहे हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि 1 to 5 नवंबर मैं टैरो कार्ड रीडिंग की क्लासेस दे रही हूँ। ओके, क्लासेस ऑनलाइन होंगी, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एंड गाइस, क्लासेस आर नॉट फ्री, क्लासेस आर पेड, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी कांटेक्ट कीजिए।
I'll see you next time. Till then, namaste and take care.